प्रशांत किशोर की सक्रियता नीतीश तेजस्वी के लिए सिरदर्द बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज पदयात्रा के जिन्होंने इस पदयात्रा को शुरू किया वो प्रशांत किशोर का ये पदयात्रा अब खत्म होने वाला है और अब प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का ऐलान भी करने वाले हैं। 2 अक्टूबर वो दिन है जिस दिन प्रशांत किशोर बिहार में अपनी राजनीतिक दल का शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहार की राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं इसके वजह से बिहार के 2 बड़े बड़े दल यानी जदयू और आरजेडी के जो दोनों मुख्य नेता हैं यानी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, इन दोनों का सर दर्द शुरू हो चुका है। दरअसल प्रशांत किशोर की का अभियान जो है वो इस कदर बढ़ता जा रहा है कि तमाम अभी तक तो आम लोग ही आम जनता ही प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहे थे लेकिन अब बड़े बड़े नेता भी इनके साथ जुड़ने लगे हैं। आपको बताएं तो बिहार में तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके नेता प्रशांत किशोर के साथ जुड़ना शुरू कर दिए हैं। नीतीश कुमार तो अपनी तरफ से पूरी नाकेबंदी कर चुके हैं, अपनी राजनीतिक सूझबूझ और लंबे अनुभव की बदौलत अपने इर्द गिर्द सुरक्षा सीमा रेखा भी खींच चुके हैं। राजनीतिक विरोधियों के लिए ये भी तय कर दिया है कि वे अपने हद में ही रहें और ये मैसेज दोनों ही राजनीतिक विरोधियों के लिए है, बीजेपी के लिए भी और लालू परिवार के लिए भी। अव्वल तो नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी थी कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे लेकिन इसकी वैधता जदयू नेता की एनडीए में लौटते ही खत्म भी हो गई। निश्चित रूप से ऐसा ही जोखिम एनडीए में भी बना चुका है लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बराबर सीटें जीत कर नीतीश कुमार ने अगला चुनाव जीतने की सूरत में भी अपनी कुर्सी पक्की कर ली है। बीजेपी की तरफ से भी अभी घोषणा हो चुकी है कि आने वाले बिहार चुनाव में भी नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता होंगे। तेजस्वी यादव 2020 में बहुमत से चूक गए थे, विधानसभा सीटें तो सबसे ज्यादा मिली थी लेकिन बहुमत के लिए नंबर थोड़े कम पड़ गए थे। एक समय ऐसा भी आया कि जातिगत गणना के नाम पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ भी हो गए और करीब 1.25 साल बाद भी अलग हो गए। अब तक ये समझा जा रहा था कि अगले बिहार विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा चुनाव की तरह 2 राजनीतिक गठबंधन आमने सामने होंगे लेकिन अब एक तीसरे प्लेयर ने भी एंट्री का ऐलान कर दिया है। बिहार सहित पूरे देश में चुनाव रणनीति के मामले में चमत्कार दिखा चुके प्रशांत किशोर भी इस बार खुद चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। 2 अक्टूबर को जनसुराज यात्रा के 2 साल पूरे होने के मौके पर प्रशांत किशोर राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा करने वाले हैं। प्रशांत किशोर का दावा है कि जनसुराज के राजनीतिक दल के गठन के लिए बिहार के 1 करोड़ लोग इकट्ठा होंगे। प्रशांत किशोर का यह भी दावा है कि देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि 1 करोड़ लोग मिलकर एक राजनीतिक दल बना रहे हैं। प्रशांत किशोर का यह भी कहना है कि वो महज एक राजनीतिक दल नहीं बना रहे हैं बल्कि बिहार के लोगों को अपने बच्चों के बेहतर भविष्य, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों के लिए एक आंदोलन खड़ा करने में मदद कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं बिहार के लोगों को लालू यादव, नीतीश कुमार और बीजेपी के 30 साल के शासन से मुक्त कराने में मदद कर रहा हूं। तेजस्वी यादव देश में प्रचलित पारंपरिक राजनीति करते हैं, राजनीति उनको विरासत में मिली है बिल्कुल वैसे ही जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, सुखबीर सिंह बादल और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं को मिली है, ऐसा प्रशांत किशोर का कहना है। उनका कहना है कि हम परिवारवाद से देश को मुक्त करेंगे, उन नेताओं से बिहार के और देश के जनता को बचाएंगे जो अब तक परिवारवाद करते आए हैं। और देखिए प्रशांत किशोर का ये जो पदयात्रा है वो 2 साल उसका कंप्लीट होने वाला है और 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर अपने राजनीतिक दल, अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करने वाले हैं और उनके सक्रिय होने के वजह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की टेंशन अब बढ़ चुकी है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फनिश।